वो कहती रही कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, इसके बाद भी विभव उन्हें मारता रहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो खैर आगे जांच में ही पता चल पाएगा। सुरक्षा कर्मियों को धमकाते हुए स्वाति मालेवाल दिखी है। जी हाँ, सीएम हाउस से सामने आए इस वीडियो ने कहीं ना कहीं स्वाति मालेवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, गंजा, बहुत सारी चीजें। इस पर सुरक्षाकर्मी कहता है, आप ऐसा नहीं बोलो, मेरी शर्ट खींची और पैंट पर लात मारी। स्वाति मालेवाल का ये आरोप है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ हुई मारपीट को लेकर धीरे धीरे कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इस बीच 13 मई को स्वाति मालेवाल के साथ दिल्ली सीएम हाउस में हुई मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें स्वाति को वहां मौजूदा सुरक्षाकर्मी से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। वीडियो में दिख रहा कमरा वो ड्राइंग रूम है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आमतौर पर उनके आवास में आने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। सीएम हाउस उसे ही कहा जाता है। इसके बाद आगे उनका कमरा और बाकी के घर के कमरे मौजूद हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालेवाल आराम से सोफे पर बैठी हुई है। इस दौरान दो सुरक्षाकर्मी उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप बाहर चली जाइए, आपने पुलिस को कॉल भी किया है तो वो बाहर ही गेट पर आएगी, उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को धमकाते हुए स्वाति मालेवाल दिखी है। जी हाँ, सीएम हाउस से सामने आए इस वीडियो ने कहीं ना कहीं स्वाति मालेवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसकी वजह यह है कि स्वाति खुद इस वीडियो में केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे विभव कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनी जा रही है। स्वाति कह रही हैं कि विभव कुमार उन्हें कैसे रोक सकते हैं, वो सुरक्षा कर्मियों को भी धमकी दे रही हैं। स्वाति उन्हें धमकाते हुए कह रही हैं कि वो उन पर भी कार्रवाई करेंगी, उनकी नौकरियां खा जाएंगी। स्वाति मालेवाल क्या कह रही हैं, वीडियो भी आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ बता भी रही हूँ। वीडियो की शुरुआत में एक सुरक्षाकर्मी कहता है, आप ऐसा नहीं बोलिए। इस पर स्वाति कहती है, जस्ट बिकॉज जो भी करना है कर लो, यही होगा और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मुझे टच किया तो। एक अन्य सुरक्षाकर्मी को कहते हुए सुना जा सकता है, हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्वाति कहती है, मैंने भी 112 पर कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो फिर मैं बात करूंगी। सुरक्षाकर्मी जवाब में कहता है, पुलिस भी तो बाहर आएगी, यहाँ तक थोड़ी आएगी। स्वाति कहती है, नहीं कुछ नहीं, नहीं होता, जो कुछ होगा अब वो यहाँ तक ही आएगी। एक अन्य सुरक्षाकर्मी स्वाति मालेवाल से कहता है कि आ जाओ मैडम, बाहर चलो, आप राज्यसभा सांसद, कहती हैं उठाकर फेंक दो ये। बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, गंजा, बहुत सारी चीज़ें। इस पर सुरक्षाकर्मी कहता है, आप ऐसा नहीं बोलो, मेरी शर्ट खींची और पैंट पर लात मारी। स्वाति मालेवाल का ये आरोप है। पुलिस में दर्ज कार्रवाई शिकायत में स्वाति मालेवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाया कि वो जब सीएम हाउस में इंतजार कर रही थी तभी विभव कुमार वहां आ गया, उसने आते ही उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी शर्ट भी खींची और फिर कई बार थप्पड़ मारी, उनका सिर टेबल पर भी जाकर लगा। स्वाति ने पुलिस को बताया कि विभव ने उनके पैंट और निचले हिस्से में जोर से लात भी मारी। वो कहती रही कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, इसके बाद भी विभव उन्हें मारता रहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो खैर आगे जांच में ही पता चल पाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आतिशी ने स्वाति मालेवाल मारपीट केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के और उस केस को बीजेपी की साजिश बता दिया है। एक टर्न देखा जा रहा है, एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालेवाल इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा थी। स्वाति मालेवाल 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची, उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था, वो नहीं थे इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालेवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। आज सामने आया वीडियो उनकी पोल खोलता है। आतिशी ने स्वाति को बताया बीजेपी का मोहरा। जी हाँ, आप नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालेवाल सहित बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि जब से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है तब से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसी बौखलाहट के तहत एक साजिश रची गई। इस साजिश के तहत स्वाति मालेवाल को सीएम आवास भेजा गया। 13 मई को क्या हुआ था, आतिशी ने मीडिया को 13 मई का पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा, स्वाति मालेवाल ने जो दिल्ली पुलिस को शिकायत दी उसमें वो कहते हैं कि उनकी बेरहमी से पिटाई हुई, उनका सिर टेबल पर लगा और फट गया, उनके कपड़े फाड़े गए, लेकिन वीडियो में इसके विपरीत की सच्चाई नजर आती है। स्वाति मालेवाल विभव कुमार को ऊंची आवाज में धमका रही है, उनके कपड़े फटे नहीं है और ना ही सिर में चोट लगी है। इस वीडियो ने स्वाति मालेवाल के आरोप को निराधार साबित कर दिया है। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में 13 मई के सभी घटनाक्रम को तफसील से बताया है।
विभव कुमार से ऊंची आवाज में बात की, ये भी मुद्दा बन रहा है। आतिशी के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने गेट पर पुलिस को धमकाया कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी ले लूंगी। पुलिस से झगड़ा कर वो सीएम आवास में घुस गई। सुरक्षा कर्मियों ने फिर से मना किया और उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया। वेटिंग रूम में कुछ देर बैठने के बाद स्वाति मालीवाल सीएम के ड्राइंग रूम में घुस गई और सीएम को बुलाने के लिए और अभी मिलने के लिए कहने लगी। सीएम आवास के स्टाफ ने विभव कुमार को फोन किया, वो 10 मिनट बाद आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल से कहा कि आज सीएम मिल नहीं पाएंगे। फिर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार से ऊंची आवाज में बात की, घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। विभव कुमार ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वो उन्हें धक्का देकर अंदर चली गई। दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची। जी हाँ, आतिशी कहती हैं कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पर जोर देने लगी। उनके पीए विभव कुमार ने कहा था कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं। इसके बाद सांसद ने चीखना शुरू कर दिया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को फंसाने के लिए मालीवाल को चेहरा बनाया गया है। इधर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सीएम केजरीवाल के घर पहुंची। पुलिस 13 मई की घटना का रिक्रिएशन करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि उस दिन केजरीवाल के आवास पर क्या हुआ था। तो आइए आतिशी को भी सुना देते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वे साजिश है क्या है ये तो खैर जांच होने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो इसमें सोचने का कहीं ना कहीं एक जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, अगर वो साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रही हैं तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें सोचने की ज़रूरत है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।